सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत और आप देख रहे हो मास्टरमाइंड टेक चैनल। दोस्तों बजाज की जो पल्सर है 150 है, 180 है और 220 जो गाड़ी है उसमें जो एयर सॉरी ऑयल फिल्टर होता है वो दूसरी गाड़ी जो होती है उसके जैसा फिल्टर टाइप का नहीं होता, वो सेंट्रीफ्यूगल एयर फिल्टर होता है सॉरी ऑयल फिल्टर होता है। तो ये ऑयल फिल्टर कैसे क्लीन करना है ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अभी अभी मैं इसका पहले ऑयल निकाल के लूंगा पुराना वाला। इस साइड में आप देखोगे तो 17 नंबर का एक बोल्ट होता है ऑयल के लिए, वो मैं अभी निकालूंगा और ये ऑयल इससे नीचे आएगा। ये देखो दोस्तों ऑयल भी खराब हो गया है, ऑयल भी हमें बदलना है अभी। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो नट होता है इसमें मैग्नेट दिया होता है। जो भी गाड़ी के इंजन के जो पार्टिकल्स है जो हमारे लोखंड से बने होते हैं, मतलब जो आयरन से बने होते हैं, वो इधर चिपक जाते हैं जो गाड़ी के पार्ट्स घिसते हैं वो। ये देखो ये हर बार हमें क्लीन करना है, ये मैग्नेट होता है इसमें। आपको दिखाता हूँ, पहले क्लीन करके लेता हूँ। ये देखो इंजन के जो पार्ट्स घिसते हैं ना उनकी पेस्ट बनती है एक टाइप की, और इधर मैग्नेट होने के कारण इधर चिपक जाती है। ये देखो इसमें मैग्नेट लगा होता है। ये देखो ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि जो इंजन के पार्टिकल जो होते हैं वो ऑयल में मिलते नहीं, ऑयल में मिलते हैं तो और इंजन घिसता है। इधर एक साइड में रहते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है हमें और गाड़ी का इंजन जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ऑयल निकल रहा है तभी हम उस साइड में जाएंगे, उस साइड का जो पैनल है हमारे राइट हैंड का वो हमें निकल के लेना है। दोस्तों सबसे पहले मुझे ये कीक है वो निकाल के लेनी है। इसके लिए 12 नंबर का बॉक्स पाना या फिर रिंग पाना हो तो भी चलता है। देखो ये निकल गई, कीक तो निकल गई। ठीक है उसके बाद हमें ये जो सारे स्क्रू है वो निकालने हैं। उससे पहले मैं ये स्क्रू निकालता हूँ। दोस्तों स्टार्टर होता है इसका, ये सारे स्क्रू हमें निकाल के लेने हैं। ये दोस्तों सारी जो ये बोल्ट है 8 नंबर के ये पूरे मैं निकाल के लूंगा अभी। देखो नट निकालने तक ये वीडियो पॉज करता हूँ क्योंकि आपका टाइम इसमें वेस्ट जाएगा। नट तो एकदम इजीली निकालने हैं वो तो आपको पता है। दोस्तों अभी ये सारे जो बोल्ट है 8 नंबर के वो निकाल के ले लिए। अभी मैं ये क्लच की केबल निकालूंगा, ये इधर से निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पैनल ही निकल जाता है। और अभी ये केबल होती है वो ऐसे निकाल देने की, ये निकाल दी और साइड में रख दी। अभी मैं दोस्तों ये पूरा निकालूंगा, इसके लिए मुझे ब्रेक है वो नीचे रखना पड़ेगा ऐसा। ठीक है अभी ये ऐसे निकालूंगा धीरे धीरे सारी साइड से। ये देखो दोस्तों ये पैनल निकल गया हमारा। अभी ये जो एयर सॉरी ऑयल फिल्टर मैं बोला था आपको वो इसके अंदर होता है, ये हमें स्क्रू निकालने पड़ेंगे इसके लिए। ये दोस्तों इसका ऑयल पंप होता है, ये ऑयल फिल्टर होता है इसके अंदर, और इसमें क्लच प्लेट होती है और प्रेशर प्लेट
और ये जो होता है वो पल्सर का बैलेंसर होता है, और इधर ये सीजर गियर लगा होता है। दोस्तों इसके बाद मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ क्लच प्लेट का, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ये निकाल के लिया मैंने, ये देखो दोस्तों, अभी तो दोस्तों इसमें ज़्यादा गंदगी नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरे YouTube में बाकी के वीडियो में बहुत से लोगों ने कमेंट किए कि पल्सर का ऑयल क्लीनर जो है वो कैसे क्लीन करना है, इसका वीडियो बनाओ, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने वाला बनाए रहा हूँ। और दोस्तों ये जो पैकिंग है उसका एक ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये टूट जाता है ये निकालते समय, ये इधर भी टूट गया है, अभी इधर दूसरा डालना पड़ेगा। जो गियर है ये लॉक करने पड़ते हैं, इसका दूसरा भी एक लॉक करने का प्रोफेशनल टूल आता है, वो तो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं स्क्रू ड्राइवर से लॉक करूंगा। लेकिन दोस्तों स्क्रू ड्राइवर से लॉक करते हैं तब हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें गियर डैमेज भी हो सकता है, वो ध्यान से करना पड़ता है। ये पूरी तरह लगा के लेता हूँ मैं, इधर स्क्रू ड्राइवर रख के मैं ये निकालूंगा। इसके लिए मुझे कुछ पाइप वगैरह लगेगा, ये देखो दोस्तों निकल रहा है। इसके लिए ये भी टूल चाहिए, ये पल्सर के लिए आता है। निकलने से पहले ये जरा लूज करके लेता हूँ, नहीं तो बाद में आएगा नहीं, कि इसको रस्ट पकड़ा है इसलिए वो जाम हो गया है, नहीं तो एकदम इजीली लगता है। ये देखो ये निकल गया है, इसमें एक वॉशर होता है, ये इसमें देखो ये देखो ये पूरा पार्टिकल जो होते हैं हमारे इंजन के जो घिसे हुए वो होते हैं। ये देखो ये आपको जैसे सिल्वर कलर होता है, डार्क सिल्वर वैसे दिखाई देंगे। ये हमें कपड़े से साफ करना है, ये देखो दोस्तों कितने। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा नहीं था, कुछ कुछ गाड़ी में होते बहुत ज़्यादा होता है, पूरा चोकअप हुआ होता है। ये देखो ये इधर है, ये देखो अभी मैं स्क्रू ड्राइवर से निकाल के दिखाता हूँ तुमको। दोस्तों ये क्यों साफ करना चाहिए, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है वो फिर से हमारे ऑयल में मिक्स हो जाते हैं और ये इंजन में चले जाते हैं, तो इंजन को नुकसान होता है। ये देखो ये पूरे पार्टिकल्स इसमें होते हैं, पूरा मैं क्लीन करके लेता हूँ अभी। ये देखो दोस्तों ये पूरा क्लीन हो गया, अभी अभी मैं इसको लगाने वाला हूँ। देखो ये वॉशर होता है, इसमें डाल दिया मैंने, और ये नट होता है।
इसमें कोई पुड़ी वगैरह नहीं होती, बिल्कुल फ्री होता ही है। मैंने जैसे निकाला था वैसे टाइट करके लूंगा ये। अब ये मुझे नीचे से लॉक करना पड़ेगा। ये बहुत इजी है दोस्तों, आप घर में भी अगर टूल है आपके पास तो कर सकते हो, अगर टूल नहीं है तो ज्यादा टूल भी नहीं इसके लिए लगते। जो रेगुलर टूल है, ये जो एक मेन टूल है यही लगता है, ये आपको 150 रुपए के अंदर आ जाता है। ये किसी भी टूल के शॉप में मिल जाता है आपको, उनको सिर्फ बोलने का है पल्सर का जो ऑयल पंप ऑयल फिल्टर होता है वो खोलने के लिए टूल चाहिए। इसका नाम तो अब तक मुझे भी नहीं पता। ये देखो ये पूरा लग गया। इसके बाद ये भी हमें क्लीन करना है, उसके जो ऊपर की कैप है वो। कैप लगाऊंगा और इसके जो 3 स्क्रू होते हैं ये अभी मैं लगाऊंगा। ये देखो दोस्तों ये बैठ गया। अभी हम ये तो पैकिंग नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आपको सिर्फ लगा के दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे लगाना है। ये पैकिंग मैं बाद में लगा लाऊंगा और ये पूरा मैं बिठाऊंगा। तब तक आपको ऐसे ही दिखा था उसे कैसे लगाना है। ये जो किक का वॉशर होता है ये इधर डालना है, ये देखो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ये होती है, ये देखो ये गिराना नहीं है हमें, ये कभी कभी निकल के गिर जाता है, ये बिल्कुल भी गिराना नहीं है। ये गिर जाता है तो गाड़ी में ऑयल का से जो सप्लाई होता है वो नहीं हो पाता, ठीक है। और ठीक उस तरह ये पैकिंग नहीं है फिर भी लगा रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि बिना पैकिंग के लगाया, ठीक है। फिर भी आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं लगा रहा हूँ। ये देखो ये ऐसे बिठाना है, ये देखो ये ऐसा पूरी इजीली बैठना चाहिए। और इसके बाद ये स्क्रू लगाना है और ये जो हमारी क्लच केबल है वो लगानी है। इसके बाद में आप नया ऑयल डाल के गाड़ी चला सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको भी पता चला होगा कि पल्सर में जो ऑयल फिल्टर होता है वो कैसे क्लीन किया जाता है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला हो, मदद हुई हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जो हमारे चैनल है मास्टर माइटेक उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे जो भी मैं नए वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। मैं ऐसे वीडियो डालता हूँ, ज्यादातर पल्सर के डालता हूँ और बाकी फोर व्हीलर्स के भी डालता हूँ। जो जो रेगुलर प्रॉब्लम आते हैं, कॉमन प्रॉब्लम आते हैं, उसका सोल्यूशन मैं बहुत आसान से भाषा में आपको बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।